नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बताने वाले हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में 188 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 दिसंबर तक आप अप्लाई इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जरूर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी जानकारी देखने के लिए नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है GoReNews24। GoReNews24 लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इस पर आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। यहाँ से फॉलो करने का ऑप्शन दिया जाएगा, इसे जरूर फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप देख सकेंगे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में 188 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 8 दिसंबर तक आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट, सभी जानकारी देंगे, बस लास्ट तक देखिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCL ने 188 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianseed.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का अगर पद की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सहित अन्य पद, आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं 4/11/2024 को। आवेदन की अंतिम तिथि है 8/12/2024 और आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। चाहे वो ST SC OBC कैटेगरी किसी भी कैटेगरी का उम्मीदवार हो, उसे 1 भी रुपये चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। टोटल पद की बात करें तो 188 पद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से ट्रेनी सीनियर, ट्रेनी मैनेजमेंट, ट्रेनी असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर के पद देखने को आपको जो है वो मिल जाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों, ट्रेनी सीनियर, ट्रेनी मैनेजमेंट, ट्रेनी अधिकतम 27 आपकी आयु जो है होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो अधिकतम आयु 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर की अगर आप बात करें तो अधिकतम आयु 50 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। मान्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं या ITI डिप्लोमा या BCom या ग्रेजुएट या BTech या BI या BSc एग्रीकल्चर, MAV, PG डिग्री, डिप्लोमा, इसमें से कुछ भी आपके पास एक होना चाहिए, आदि की आदि में से किसी एक की डिग्री आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, पद के अनुसार आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी 24,616 रुपये से 1,41,260 रुपये रहेगी। डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए बेसिक पे के अलावा DA HR समेत अन्य अलाउंस भी दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, पद के अनुसार आपके अलग अलग जो है प्रतिमाह सैलरी देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। अगर आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा। होम पेज पर करियर टैब पर क्लिक करें, इसके बाद एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है, फॉर्म भरें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फीस भरना है, उसके बाद आपको प्रिंटआउट लेकर रख लेना है। यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नेशनल सीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इंटर हो जाएंगे। देख यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, मिनीरत्न कंपनी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, पूरे 16 पेज का। पूरा एक बार नोटिफिकेशन रीड करिए, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करने का सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।